भारत में कोरोना वायरस के चलते जब से लॉकडाउन हुआ है तब से प्रवासी मजदूरों की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही। इसी के चलते आज जलंधर में सिख श्रद्धालुओं ने एक नया उदाहरण पेश किया, जिसमें जलंधर से करीब 35 किलोमीटर पैदल चलकर प्रवासी भारतीय भागलपुर जाने के लिए आए तो सिख श्रद्धालुओं ने उनको राधा स्वामी हॉल में रुकवाया। जलंधर से सुनील महेंद्रू की रिपोर्ट, लाइव भारत। कुछ समय पहला मैं इतों लंघ रहा 120 फुटी रोड जगजीवन राम चौक तो मैं जो देखा तकरीबन 150 तो पौने 200 प्रवासी वीर भैन इतने कट्ठे हुए हुए सन। तो मैं इन्होंने पूछा तुम इतने क्यों इतने कट्ठे क्यों हो गए हो, कितों आए हो? तो कह लग गए जी असी भागलपुर जाना, तो असी लूहिया तो पैदल इतने आ गए हाँ। सानू किसी ने कहा कि जलंधर तो ट्रेन चलनी है। तो मैं इन्होंने पूछा थोड़ी कोई टिकट बुकिंग है? कहते नहीं साड़ी कोई टिकट की बुकिंग नहीं है। तो बड़ी हैरानगी की गल है कि छोटे छोटे दो दो साल के डेढ़ डेढ़ साल के तीन तीन साल के बच्चे 60-60 65 साल दियाँ बजुर्ग मावं साड़िया जिहड़ियां नंगी पैरी पैदल ही 25-25 किलो का समान लद के दो दो तीन तीन साल के छोटे बच्चे अपने मोटियां बिठा के गोदी बिठा के पैदल ही आ रहे हैं। और सवेर का कहते असी सानू खाने कुछ नहीं मिलिया। और सब तो पहला मैं आंदिया ही इन्हों का पानी का बिस्कुट का खरबूजिया का प्रबंध किया। उस तो बाद मैं गुरद्वारा बस्ती दानशमंदा की पूरी कमेटी का धन्यवाद करता कि उन्होंने उस वेले फोन किया, उन्होंने दाल चावल बनाने शुरू कर दिए हैं। तो मैं अपने घर के मेरे लागे जिन्हें भी मेरे यार दोस्त से सारे मैं फोन किया, सारे ने प्रशादे दाल सब्जी जो भी उन्होंने घर बन सकता सी इमीडिएटली वो इतने लैके आ रहे हैं। तो असी इन्हों का सौन का जोड़ा प्रबंध है वो बिल्कुल लागे 120 फुटी रोड के डेरा सत्संग ब्यास वालों का उत्थे सौन का प्रबंध किया है। मैं सरकार अगे बेनती करदा कि तरस खाओ, इन्हों अपने घर पहुँचाओ, यही पुन खट लो, क्योंकि घर भी जे ता जाना चाहते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि पिछले 1.5 से 2 महीनों तो सानू खाने कुछ नहीं मिलिया। इन्हों राशन अगर मिल जाता और साड़ी इंडस्ट्री साड़ी पंजाब की जिहड़ी इंडस्ट्री वो बच जाती, ये ना जाते इतों। इस करके मैं डीसी साहब अगे जलंधर के डीसी साहब वरिंदर कुमार शर्मा जी अगे बेनती करदा कि इन्हां दे पास बना के इन्हां दीआं टिकटां बुक करा के इन्हां नूं जल्द तो जल्द इत्थों भेजा जा सके। धन्यवाद। शंकर मालीराम केडिया जी ने और एकी फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।